मस्ती भरा है समा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शादी में जब पहली बार तुम्हें पहना था तो गले में फंदे जैसी लगी थी, फिर शादी हो गई और बीवी गले में आ गई। उसके बाद बहुत लंबे समय तक तुम्हें नहीं पहना। वो कहा है ना, गले में एक ही फंदा काफी होता है, टाई या लुगाई। लेकिन लगता है कि आज तो तुम्हें पहनना ही पड़ेगा। हे जी। ओ जी, क्या हुआ? अकेले में काहे बड़बड़ा रहे हो? तबीयत ठीक है? हमारी तबीयत तो ठीक है, लेकिन लगता है कि लापतागंज वासियों की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं, सब इन भाई साहब की महिमा है। अच्छा, आओ हमारे गले में आई जाओ। कैसे लग रहे हैं इंदुमती? तुम तो हमेशा लल्लन टाप लगते हो। हम अपने बारे में नहीं, टाई भाई साहब कैसे लग रहे हैं पूछ रहे हैं। टाई भाई साहब? ये तुम्हारे भाई साहब है? हाँ। बड़े के छोटे? बड़े वाले। पाए लागो जेठ जी। जेठ जी? तुम्हारे बड़े भाई मत बोला, हमारे जेठ जी ना। अरे पैर ढूंढ रहे हैं, पैर छुके आशीर्वाद लेना है जेठ जी का। पगला गई होगा इंदुमती, टाई भाई साहब के पैर नहीं होते। अच्छा, इनके तो पंख होते हैं जिन्हें पहन के लोग उड़ते हैं ऐसे। वो तो दिखाई दे रहा है। हे जी। ओ जी, हमरी बात मानो, आज दफ्तर से छुट्टी ले लो। काहे? जरूर तुमका कौन भूत चिपक गया है। भूत नहीं, भूतनी चिपक गई है। अभी हम इसे तैयार करेंगे, इसका श्रृंगार करेंगे, फिर दफ्तर जाएंगे। नाश्ता? नाश्ता सुत्ती लाल की दुकान पर ही दोनों भाई करेंगे। दोनों भाई? भाई वाह, टाई पहन के वॉक करने का मजा ही कुछ और होता हैंगे। ताजा ताजा हवा अंदर जाती हैंगी। अरे ये टाई हवा अंदर जाने तो दे, अंदर जाती हैंगी। लल्लन जी ने इतनी कसके ये टाई बांध दिया कि पूछो मत। हैं? हाँ। अरे ये जीजा जी के घर से कौन निकल रहे हैंगे? हैं? कोई जीजा जी की साइकिल चोरी कर रहे हैंगे? अरे साइकिल तो पिताजी चुराते थे। ओहो, ये मुकुंदी बाबू खुद है भाई। हैं? हाँ। मतलब जीजा जी खुद अपनी साइकिल चुरा रहेंगे? अरे नहीं नहीं, मुकुंदी बाबू ने सूट और टाई पहन रखी है। अच्छा, इसका मतलब जीजा जी भी हमारी तरह जेंटलमैन बन गए हैंगे। सूट बूट तू पहने भैया कौन है? जेंटलमैन जेंटलमैन जेंटलमैन। हे बजरंगबली, हमरे और टाई भाई साहब की तरफ से प्रणाम स्वीकार करें। जेंटलमैन टाई भाई साहब, बजरंग बली को प्रणाम करो। हाँ? आ, आ, हे बजरंग बली, आशीर्वाद दें कि टाई भाई साहब फले फूले स्वस्थ रहें, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, महिमा चौधरी की तरह इनकी महिमा भी बढ़े। टाई भाई साहब, अब आज्ञा हो तो चले। हा? चले आ? आ! चलते हैं बजरंग बली, चलो। आओ। आ! मामा। हाँ? तुमने भी देखा जो हमने देखा हैंगे? अरे देखा तो पिताजी करते थे अलीजा, हमने तो सुना भी है। अरे जीजा जी की टाई बात करती हैंगी? अरे टाई तो पिताजी की बात करती थी। अरे मामा, लेकिन हमारी टाई बात नहीं करती हैंगी? राम राम सुतीलाल। राम राम। जेंटलमैन 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 मैं ही हूँ। राम राम मुकुंदी भैया। पापा कसम मुकुंदी भैया, भौकाल डीपली घुस के गदर मचा दिए। अरे वाह, टिप टॉप विदाउट एनी कॉमा फुल स्टॉप। लेकिन मुकुंदी भैया एक बात बताएं, पहले वाले टाइप साहब ज्यादा बेटर थे? ए जाने दो, एकदम जेंटलमैन लग रहे हैं। सब टाई की महिमा है। राम राम लल्लन जी, आप कछु टिप्पणी नहीं करेंगे का? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अबे यार गुड्डू, पापा कसम उस आदमी को सूतने का मन करता है जिसने इनको पैदा होने के लिए कहा था। ना वो कहता, ना ये होते और ना ये कहते कि हमसे किसी ने कहा ही नहीं।
अरे देखिए मुकंदी भैया की टाई क्या लग रही है। हाँ ठीक है, पर टाई हर एक पर सूट नहीं करती है। हाँ देखो कैसे लटक रही है, कितनी लंबी है। टाई तो ऐसी होनी चाहिए, छोटी और गले से मोटी। कौवा जो है हंस की चाल चल रहा है, अपनी चाल भी भूल जाएगा। अरे हंस की चाल तो पिताजी चलते थे। वैसे मुकुंदी बाबू आपकी टाई है बहुत जबरदस्त, क्यों है लीजा। हेलो हेलो टाई भाई साहब, एलिजा हेलो हेलो कह रहा है थे, हेलो हेलो करो, हेलो हेलो हेलो, आप भी करो हेलो, शाबाश, अरे सब करो हेलो हेलो। टाई भाई साहब, अरे ये हम सब में बड़े हैं समझे, इन्हें नमस्कार करो, करो नमस्ते 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 नमस्ते। कहा सुतीला, समोसे नहीं खिलाओगे का? अभी खिलाता हूँ। हाँ ये लीजिए मुकुंदी भैया, गर्मा गर्म समोसे पकड़ो। अरे सुशीलाल हम पहले से बैठे, पहले हमको खिलाओ। ये पहले जेंटलमैन को देंगे ना भाई। और हम कौन है, जेंटल लेडी? अरे मेंटल बॉडी है। अरे हम भी टाई पहने हैं और हम तुम सबसे पहले टाई पहनते हैं। अरे लल्लन जी नाराज काहे हो रहे हैं, ये हमारे लिए नहीं है, ये तो टाई भाई साहब के लिए है। लीजिए टाई भाई साहब। आहा, लीजिए समोसा खाइए। खाए लिया, और खाएंगे भाई साहब? थोड़ा और। अरे भैया क्या चक्कर है, मुकुंदी भैया का स्क्रू कहीं ढीला तो नहीं हो गया है? अब स्क्रू ढीला नहीं हुआ, इन सबका स्क्रू टाइट करने वाले हैं, देखते जाओ गुरु। क्या? टाई भाई साहब को मिर्ची लग गई। ओहो हो, हाँ सुतीलाल तुम भी मिर्ची लग गई टाई भाई साहब को, पानी दो पानी। टाई भाई साहब पानी पीजिए, पानी पीजिए, पीजिए पीजिए पीजिए। अब कैसा लग रहा है टाई भाई साहब? हाँ काश सुतीलाल तुम भी इतना मिर्ची डाल देते हो समोसा में, टाई भाई साहब का मुंह जल गया। हाँ नहीं तो चलो चलते हैं। अरे मुकुंदी भैया पैसे तो देते जाइए। टाई भाई साहब का मुंह जल गया और पैसे वैसे नहीं देंगे। पर खाया आपने है। अरे वो तो हमने इनका जूता खाया, जूता। बकवास करते, चलो हटो। कोई बात नहीं टाई भाई साहब, रखते हैं कुछ मीठा खा लेंगे, है? चलो आप। ये जीजा जी को क्या हो गया हैंगे? टाई पहन के पगला गए। हाँ जीजा जी की वाइफ के जीजा जी पहले मंदिर के पास खड़े होके टाई को बजरंग बली का आशीर्वाद दिला रहे थे। अच्छा अब समोसा खिला रहे हैंगे। और टाई को टाई भाई साहब क्यों कह रहे हैं? हाँ। हमको तो लगता है कि टाई को बहन जी कहना चाहिए, गुड्डू स्त्रीलिंग है ना। हाँ भैया। अरे भाई स्त्रीलिंग तो पिताजी थे, हमें लगता है मुकुंदी बाबू की टाई जो है बंगाली है, क्योंकि बंगाल में ना स्त्रीलिंग होता है और ना ही पुल्लिंग, सिर्फ सर्वलिंग होता है। अरे हमको स्त्रीलिंग पुलिंग की नहीं, इनकी स्त्री की चिंता है। विद्या रानी की कसम, अगर इसी तरीके की हरकतें करते रहे तो इनकी स्त्री किस तरह निभाएगी इनके साथ। दीदी हम समझा रहे ना, शांत हो जाओ दीदी। अब चुप। सुबह से हमें कौन गड़बड़ लग रही थी, जब इस शर्ट कोट पैंट साड़ी वाला पहन के चले गए और गले में जेठ जी को बांध देते। जेठ जी? लेकिन जीजा जी तो गले में टाई बांधे हैंगे। हाँ उसी को तो वो बड़े भाई साहब कहते हैं। उनके बड़े भाई साहब हमरे जेठ जी हुए ना। अरे दीदी जीजा जी के साथ साथ तुम भी पगला गई हो का? जीजा जी टाई से बात कर रहे थे, बजरंग बली से आशीर्वाद दिला रहे थे, उसको समोसा खिलाया, पानी में डुबोया। जरूर उन पर कोनो भूत प्रेत का साया है। का? इससे पहले कुछ गड़बड़ो दीदी, कुछ करो। अरे हम क्या करें, तुम करो, तुम जाओ ना वो काली मंदिर जाओ और किसी ओझा को पकड़ के लाओ ना। अब टाई को जेठ जी बना ही दिए, इससे पहले कि कोट को जेठानी और पॉइंट को ननन बनाए, तुम जाके कुछ करो ना। ले जा इनसे शादी करके पूरी जिंदगी झटक गई हमने। दीदी तुम चिंता मत करो, जीजा जी दफ्तर से आएंगे तो बच के नहीं जा पाएंगे। Gentlemen, gentlemen, gentlemen,
गुड मॉर्निंग बड़े बाबू। अरे वाह मुकुंदी बाबू, आज की मॉर्निंग तो सच में गुड लग रही है आपकी। ये सूट, ये टाई। बड़े बाबू कड़वा है किंतु सत्य है कि समाज में आदमी की भलाई से ज्यादा उसकी टाई की कीमत है। इसका मतलब आप भी समाज के रंग में रंग के रंगबाज बन गए हैं। अरे नहीं नहीं बड़े बाबू, हम तो जैसे वैसे ही ठीक है। वो तो समाज की अक्ल पर पड़े काले रंग को उतारने के लिए हम रंगरेज बने हैं। अब देखते हैं उनका रंग हम पर चढ़ता है या उनका रंग उतरता है। अरे टाई छोड़ो, टाई छोड़ो, हम जेंटलमैन हैं। अच्छा हाँ जेंटलमैन, ज्यादा रंगबाजी नहीं करो, समझे ना, नहीं तो तुमरा वो हाल करेंगे कि जेंटलमैन तो का मैन भी नहीं रहोगे। चलो। अरे 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 मिर्चा भाभी क्या कर रही, सुत्ती लाल को टाई से काहे पकड़ रखा है आपने? अब क्या करे, बोल तो है नहीं सर पे, नहीं तो वही पकड़ लेते हैं। अरे लेकिन मिर्चा भाभी हुआ क्या है? ये सब तुम लोग का किया धरा है। जब से टाई पहनने लगे हैं ना, घर का कोई काम ही नहीं करते हैं। हर बात पे कहते हमसे किसी ने कहा ही नहीं है। अबे ये तो लल्लन जी बोलते थे। आज तो उसके बाद उन्हीं का नंबर है। फिर चाहे बिंदुमती को बुरा लगे या भला, उनको भी ऐसे ही घीच कर लेकर के आएंगे अगर ये नहीं सुधरे तो। अरे सुधरते तो पिताजी थे भाई, हर कोई पिताजी जैसा महान तो होता नहीं है। आप चिंता नहीं करो, हम इन्हें समझा देंगे भाई। आखिर हम पिताजी के लड़के हैं। किसके पिताजी के? अरे अपने और किसके। ओहो देखिए मामा, सच बात तो ये है कि मिर्चा भाभी को आप पे विश्वास करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। और रही आपके पिताजी की बात, उनके विश्वास की बात, उनके विश्वास के लिए इनको छोड़ सकती हैं कि नहीं? छोड़ दीजिए। ठीक है छोड़ देते हैं, लेकिन इनका नाटक बंद नहीं हुआ ना तो हम तुम्हारे सर का फाटक खोल देंगे, समझे? धन्यवाद विजय भैया। अरे गुरु धन्यवाद मत दो। अच्छा। हमको देखो ऐसा है, गरम गरम अदरक वाली चाय पिलाओ, दो चम्मच शक्कर डाल के। पापा कसम यार गुड्डू, फ्री की चाय पीने का मजा ही कुछ और है बे। हाँ भैया ये सब कंठ लंगोट का चमत्कार है। हाँ बे बिल्कुल सही कह रहे हो, जब से लापतागंज वालों ने कंठ लंगोट पहनना शुरू किया है, पापा कसम जेंटलमैन से ज्यादा मेंटलमैन लग रहे हैं। अरे मेंटलमैन तो पिताजी थे, ये सब टाई की महिमा है भाई। जब से टाई पहनना शुरू किया है तब से लोग पलट पलट के देखने लगे हैं। वो इस वजह से गुरु, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि गांव में सर्कस आ गया है। विजी पांडे, हम तुमको कौनो सर्कस के जोकर लगते हैं? आपसे किसी ने कहा क्या? नहीं तो काहे बोल रहे हैं? अरे हंसो मत, हम कोई अरे गहरे नहीं है, न थुखेरे है। मतलब है कि हम कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। PWD में काम करते हैं, PWD में टाई पहनते हैं, टाई और टाई अंग्रेज पहनते थे हैं। और टाई से आदमी की इज्जत होती है, इज्जत। हाँ क्योंकि टाई भाई साहब की बात ही कुछ और होती है, क्यों लल्लन जी? और नहीं तो क्या। अरे फिर टाई भाई साहब। इलो मुकुंदी भैया। और हम? अरे हम तो पहले आए थे। अरे टाई भाई साहब के लिए है। लीजिए टाई भाई साहब, चाय पीजिए। मजा आया टाई भाई साहब? मजा आया है क्या? समोसा भी खाएंगे? हाँ सुतीलाल समोसा दो। समोसा कम मिर्ची वाला। ये लो बस चाय पी ली चटनी के साथ। ये लो ये पकड़ो। लीजिए ये लो समोसा खाओ। खा लिया का? चटनी भी चाहिए? हाँ ये लो ये लो। मजा आया है? चलो बहुत अच्छे। सूतीलाल ये टाई भाई साहब के नाम पे लिख लो। हाँ ठीक है। हाँ तो अरे ये मुकुंदी बाबू को क्या हो गया है? पहले इन्होंने टाई को चाय में डुबोया, फिर टाई को चटनी चटाई। भाई हमें तो लगता है कि दिमाग के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा इन्हें। आइए टाई भाई साहब,
अब आराम से बैठेंगे और विचार विमर्श करेंगे कि आगे क्या करना है, ठीक है? जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली, सबको पकड़ू सबको पीटू, राजा कलमाड़ी याहो लाली। एलीजा सबका है, एलीजा से काहे पूछ रहे हैं, हमसे पूछो ना, ये काली मंदिर के भूरे बाबा है। और भूरे बाबा ये हमारे जीजा जी हैंगे जिनके बारे में हमने आपको बताया हैंगे। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली, सबको पकड़ू सबको पीटू, राजा कलमाड़ी याहो लाली। हुम फट हुम। अरे पगला गया होगा, एलीजा इनको निकालो। घबराने की कौन जरूरत नहीं है, भूरे बाबा ये सब ठीक कर देंगे। हाँ अगर भूरे बाबा ठीक नहीं कर पाए तो ये डॉक्टर लाल ठीक कर देंगे। अरे अब ये कौन हैंगे? डॉक्टर लाल। हाँ पागलों के डॉक्टर है। अरे तो यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारा इलाज करने। अरे पगला गए हो क्या? इलाज की तुमको ज्यादा जरूरत है समझे? टाइ को हम रिजिट तुम ही बनाए हो, इलाज की तुमका जरूरत है हमका नहीं। अरे इनकी हरकतों से लगता है कि इनको टाई मेनिया हो गया है। हाँ नहीं, इसे टाई वाला भूत चिपक गया है। अरे अभी छुड़ाता हूँ, पकड़ो इसे। अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो? अरे एक मिनट, अरे इधर आओ। ऐसा है हम कह रहे, अरे हमारा था। अरे छोड़ दिया। अरे 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 छोड़ दे छोड़ दे, क्या कर रहे हैं? छोड़ दे छोड़ो। टाई का भूत पकड़ लिया है। अरे भाई वही तो कह रहे हैं हम भी कि टाई वाले भूत को ही छुड़ा रहे हैं, और जितने खड़े यहाँ पे सब टाई वाले भूत हैं। पापा कसम, जब से इन लोगों ने कंट लंगोट पहना है, डीपली घुस के जेंटलमैन से मेंटलमैन टाइप हो गए। मुकंदी भैया बिल्कुल ठीक है। हाँ। लेकिन ये टाई को चाय में क्यों डुबो रहे थे? हाँ, खुद से पहले टाई को समोसा क्यों खिला रहे थे? हाँ। और टाई से हेलो नमस्ते क्यों कहलवा रहे थे? अरे एक मिनट छोड़ो। एक बात बताइए, हम खुद खाना खाने से पहले किसे खिलाते हैं? भगवान को। हाँ। और आदर से किसके सामने सर झुकाते हैं? जिसका हम खुद से ज्यादा सम्मान करते हो। अरे तो हम भी तो वही कर रहे थे। आप सब लापतागंज वासी इंसान से ज्यादा टाई को सम्मान दे रहे हैं, उसे भगवान मान रहे हैं, इसलिए जिसका जितना बड़ा सम्मान वही होगा हमारा भगवान, इसलिए सबसे पहले टाई को खिलाएंगे, उसके सामने सर झुकाएंगे। अरे इंसान की क्या औकात है? आप सब लोग टाई की इज्जत करते हो ना, इसलिए पहले टाई खाएगी, उसके बाद सबकी बारी आएगी। लेकिन जीजा जी ये तो पागलपन हैंगे। अरे वही तो तुम सब लोग कर रहे थे। टाई वाले जेंटलमैन, बाकी सब वॉचमैन हैं। अरे इस देश का सबसे बड़ा जेंटलमैन, इस देश का बाप, मतलब हमारे बापूजी, वो टाई नहीं पहनते थे, लेकिन उसी कॉमन मैन ने सबसे पहले देश को आगे बढ़ाया, उसी ने इस देश को रास्ता दिखाया। जो रास्ते पर चलते हैं वही रास्ता बनाते हैं। टाई पहनकर एसी कमरों में बैठने वाले लोग रास्ते लगाते हैं। अरे इंसान का सभ्य होना टाई पर नहीं, आदमी की भलाई पर निर्भर करता है। अरे भैया माफ करना अगर हमने पागलपंती में आपको कुछ कह दिया हो, हमारा मकसद तो सिर्फ आपको एक एहसास भर दिलाना था। और जीजा जी हमको एहसास हो गया हैंगे। क्यों मामा? भाई एहसास तो पिताजी को होता था, लेकिन उनका एहसास कभी गलत नहीं होता था। भाई हमें माफ करें, अपना दिल साफ करें, लेकिन इसका क्या करें? एक काम करो, सब लोग अपने अपने टाई उतारो और ललन जीजा को दे दो, उनका जेंटलमैन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ लापतागंज में एक ही जेंटलमैन काफी है, इसलिए सारी जेंटलमैनियत इनके गले में है। दोबारा हमारे आदमी के गले में डाली ना तो सोच लेना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? पापा कसम आपसे बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता। तो मैं पास टाई वाले बाबा, ये टाई वाला भूत यहाँ उतारिए ना, ये देखिए। उतारो उतारो। जे जी। ओ जी। अब आप भी हमरे रंग बिरंगी जे जी को उतारी, इका बक्से में रखी वही ठीक है। राजा कलमाड़ी याहो लाली, कंठ लंगोट पहन के सबने मलाई खा ली, और कॉमन मैन के हाथ क्या लगा? लंगोट। किसी किसी के नसीब में तो वो भी नहीं।